समुद्र मंथन के पश्चात देवासुर संग्राम हुआ, राक्षसों के राजा वली की मृत्यु हुई। राजा वली को उठा करके गुरु शुक्राचार्य जी महाराज की शरण में ला करके रखा गया कि हे गुरुदेव, आप ही अब कुछ करें। तब गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने संजीवनी नाम की विद्या से राजा वली को जीवित कर दिया। संजीवनी नाम की विद्या से राजा वली जीवित हो गए, लेकिन राजा वली जीवित तो है, गुरु शुक्राचार्य जी को कुछ लगा शिष्य के लिए, इसलिए राजा वली से विश्वजित नाम का एक यज्ञ कराया, जिस यज्ञ के करते ही सर्वजित नाम का एक रथ निकला, जो रथ स्वर्ण से मढ़ा हुआ था, जिस रथ के घोड़े हरे रंग के थे, उसी यज्ञ से तो दिव्य तरकस निकले। तरकस कहते हैं जिनमें बाण रखे जाते हैं। उन तरकसों से जितने बाण क्यों ना निकालो, बाण समाप्त नहीं होते थे। बिलोचन पुत्र वली को बलि के दादाजी श्री प्रहलाद जी महाराज ने एक ऐसी माला दी थी जो माला कभी मुरझाती नहीं थी। बलि ने वो माला प्रसाद स्वरूप गले में धारण की, गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। संसार के जितने ब्राह्मण हैं, समस्त ब्राह्मणों की परिक्रमा करके प्रणाम किया और राजा वली ने इंद्रपुरी में चढ़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया, धावा बोल दिया। और जैसे ही इंद्रपुरी में आक्रमण किया गया, सारे देवता यत्र तत्र यहां वहां सब मारे मारे फिरने लगे। राजा वली ने स्वर्ग में अधिपत्य स्थापित कर लिया, देवता फिर भटकने लगे। गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने बलि से कहा कि हे राजन, यदि आप अपनी आई हुई संपत्ति को स्थिर करना चाह रहे हो कि जो मिल गया है ये अब जाए ना, तो उसके लिए 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो। देखो भैया, व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु मार्गदर्शक होता है। गुरु अपने शिष्य की भौतिक उन्नति कराता है, भौतिक मतलब ये संसार वाली, धन आ जाए, संपत्ति आ जाए, मेरे शिष्य का नाम हो जाए। गुरु भौतिक उन्नति तो कराते ही हैं, साथ ही साथ गुरुदेव अपने शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति भी कराते हैं। इसलिए गुरु बनाना चाहिए और गुरु बड़े सोच समझ के देख परख के बनाना चाहिए। आज क्या होता है, लोग गुरु क्या देख के बनाते हैं, कहा गुरु लंबा चौड़ा ताम झाम देख के गुरु बनाते हैं। क्या ताम झाम, आडंबर कितना है, गाड़ियां कितनी हैं, 4-5 है या नहीं, आश्रम कितना बड़ा है, VIP लग्जरी आश्रम, और कितने आश्रम हैं, कितना नाम है, टीवी में कितना आते हैं, विदेश जाते हैं या नहीं, शिष्य कितने हैं, लोग जानते हैं या नहीं, दिखते कैसे हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं, सफेद वस्त्र पहनते हैं, टीका चंदन लगाते हैं, लंबा चौड़ा त्रिपुंड धारण करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक खूब बड़े बड़े जटाजूट हैं या नहीं। हमने जब ये देखा तो ये देख के हम हो गए इंप्रेस और हमने बना लिया गुरु। देखो भैया, तिलक सबको धारण करना चाहिए,
तिलक धारण में बुराई नहीं है, वस्त्रों में बुराई नहीं है, माला में बुराई नहीं है, या एक लग्जरी लाइफ जीने में भी बुराई नहीं है, लेकिन लोगों को छल से जीतना, छल करना लोगों के साथ, कपट करना, वो तो बुरा है ना। आज हम ऐसे लोगों को गुरु बनाते हैं, बड़े बड़े जो छलते हैं, कपटी हैं। हमने तो ये देखा, हमने तो वो देखा, और हमने गुरु बना लिया। और ये मैं नहीं कहती, ये शास्त्र कहते हैं कि भैया गुरु कीजे जान के और पानी पीजे छान के। सुना है या नहीं? पानी छान के पियो। पहले तो ये कहते थे, आज तो चलो फिल्टर है, पहले जब फिल्टर का जमाना नहीं था तो ये कहते थे कि जो पानी आप कुएं से ला रहे हो या नदी से ला रहे हो या नल से आ रहा है, 8 बार कपड़े को लपेटो, सूती वाले कॉटन के, 8 बार, और 8 बार लपेटे हुए कपड़े से पानी छानो तो फिल्टर हो गया। फिल्टर में तो 1 बार 2 बार छनता होगा, 8 बार हमारे सियाने लोग, बुजुर्ग लोग ऐसा कहते थे। क्यों भैया पानी छान के क्यों पियो? कहा पानी छान के नहीं पियोगे तो रोग हो जाएंगे, पेट दुखेगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, पेट दर्द हो गया कहीं, कुछ हो गया कहीं, कुछ हो गया, एलर्जी हो जाएगी। पानी छान के पियो, नहीं तो रोगी बन जाओगे। वैसे ही गुरु भी जान के, समझ के, परख के, सोच के, विचार करके बनाओ। किसी का लंबा चौड़ा आडंबर देख के, कोई खूब ज्यादा भक्त मंडल देख के, ये सब तामझाम, बाहरी तामझाम मत देखो। और देखना है तो देखो, अच्छे अच्छे लोगों का भी होता है, पर उसका थोड़ा सा भीतर का भी झांक लो, समझ आता है कौन कैसा है। चेहरे से कई बार समझ आ जाता है, तो भीतर भी थोड़ा झांको और फिर गुरु बनाओ। और गुरु बार बार बदलो मत। आज एक नई परंपरा भी चल रही है, एक गुरुजी बनाए पर पता चला, अरे हमारे गुरुजी को तो कोई नहीं जानता, उन वाले को बहुत जानते हैं, तो अपने को छोड़ो तो उनको गुरु बना लिया। फिर पता चला, अरे इनको तो केवल प्रदेश के लोग जानते हैं, गुरुजी उनको पूरा देश जानता है। फिर कारे छोड़ो, इनको देश क्या, इनको विदेशों के लोग भी जानते हैं, इनके आश्रम में तो विदेशी भी घूमते हैं, उनको गुरु बना लिया। भैया गुरु एक होना चाहिए, प्रदेश के हो, देश के हो, भारत के हो, जहां के हो, किसी भी तीर्थ के हो, गांव के हो, गुरु एक हो। गुरु बार बार बदले ना। जो शिष्य गुरु त्याग देता है वो दरिद्री हो जाता है, और जो गुरु शिष्य त्याग देते हैं शिष्य दरिद्री होता है। दोनों स्थितियों में गुरु का कुछ नहीं बिगड़ता। इसलिए गुरु बनाए, जान के, पहचान के, सोच करके, समझ करके फिर गुरु बनाइएगा। गुरु का होना जीवन में जरूरी है। गुरु मार्गदर्शक होते हैं, गुरु अपने शिष्य की भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति कराने वाले होते हैं।